गाइस मुझे यहाँ पर 3 महीने के लिए एयरपोर्ट पर जॉब मिली है, बट ज़्यादा कुछ काम करने को है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद के लिए एक बढ़िया सा हेलीकॉप्टर बना लिया जाए। वैसे भी यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पर कूड़ा कबाड़ा कचरा मैंने उठाया और उस सब का इस्तेमाल करके देखिए इतना खूबसूरत छोटा सा प्यारा सा हेलीकॉप्टर बना दिया। हालाँकि इस हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक इंसान बैठ सकता है। अरे भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर शूटिंग वूटिंग करने की ट्राई करूँ। देखो तो सही मैं सच में गॉड हेलीकॉप्टर मैन बना भी या नहीं। और वाह वाह वाह, एक मिनट, ये सामने कौन है? ओए सामने से हट, तू कौन है? ओ भाई साहब ये कौन मार रहा है मुझे? कोई बचाओ। अबे ये कौन कीड़ा सामने आ गया यार? इतने मजे आ रहे थे शूटर, अरे मेरा हेलीकॉप्टर तो भाई यहाँ पर, अरे मैं तो पूरा इनबैलेंस हो गया, बचाओ। अबे ये क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, ये कौन है इतने बड़े हेलीकॉप्टर में जो मेरे को पीट रहा है? अबे छोड़ूंगा नहीं ये जो भी था जिसने यहाँ पर मेरा पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया, मेरी बैंड बजवा दी। ओ माय गॉड ये क्या हो गया? किसने मेरे इतने छोटे से प्यारे से हेलीकॉप्टर को इतनी जोर से गोलियां चला चला के मार दिया? गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कौन है इसकी इतनी हिम्मत? बाहर निकल। एक मिनट, ये क्या जी बात है भाई? अरे पायलट सीट पे तो कोई बैठा ही नहीं है। हो सकता है पायलट उतर के पीछे तरह गया हो। नहीं, पीछे भी नहीं है। कौन है? अबे इसमें कोई बैठेगा क्यों? अरे मैं ही हेलीकॉप्टर मैन हूँ। व्हाट, टोनी स्टार्क? लेकिन तू है कहाँ पर? अरे बोला तो। अबे मुझे मार क्यों रहा है? मैं तुझे कहाँ मार रहा हूँ भाई, मैं तो बेकार से हेलीकॉप्टर को मार रहा हूँ। अरे हेलीकॉप्टर ही मैं हूँ, मैं टोनी स्टार्क हूँ। फ्रैंकलिन मारना बंद कर, तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस देखिए यार लिटरली मैं मार हेलीकॉप्टर कर रहा हूँ, टोनी बोल रहा है कि मैं उसको मार रहा हूँ। तू है कहाँ भाई? दिखेगा, रुको ही बताता हूँ। मैं बन जाता हूँ हेलीकॉप्टर मैन। व्हाट, ओ भाई साहब ये कपड़े तो टोनी स्टार्क के ही और बॉडी भी टोनी स्टार्क की है, बट भाई टोनी तेरे हेड को क्या हुआ? तेरे हेड की जगह हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? बोला तो था मैंने, मैं हेलीकॉप्टर मैन बन गया हूँ। व्हाट, हेलीकॉप्टर मैन बन गया है? तो बिल्कुल सहीगा भाई, वो भी नॉर्मल हेलीकॉप्टर मैन नहीं, मैं गॉड हेलीकॉप्टर मैन बन गया हूँ। और तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो गया। तूने सबसे पहले मुझे इतनी जोर से मारा। अरे मुझे पता नहीं था, सॉरी। और तूने मेरे हेलीकॉप्टर का क्या हल किया? तू मेरे रास्ते के बीच में आएगा तो यही होगा ना, ये ले मुर्ख कहीं का। अरे बाप रे कितना बुरा मारा। लेकिन ये तो बता, तू गॉड हेलीकॉप्टर मैन बन कैसे गया भाई? ये पॉसिबल कैसे है? मैं क्यों बताऊं, हल्क आ गया, हल्क भी यहाँ पर गॉड हेलीकॉप्टर मैन बन गया। अरे मैं भी बन गया, पीछे नहीं रहा हूँ मैं भी। ओ माय गॉड, अभी तो बस मैंने टोनी स्टार्क को ही देखा था गॉड हेलीकॉप्टर मैन के रूप में, बट यहाँ पर तो हैं डॉक्टर स्ट्रेंज भी, स्पाइडरमैन भी, थॉर भी, हल्क और सारे के सारे गॉड हेलीकॉप्टर मैन है। नहीं भाई ये तो डैमी गॉड हेलीकॉप्टर मैन है, असली गॉड हेलीकॉप्टर मैन मैं ही हूँ। वही नहीं, मैं हूँ टोनी सर असली गॉड हेलीकॉप्टर मैन। देखा जाएगा, कॉम्पिटिशन कर लेते हैं। अरे गाइस आप लोग कॉम्पिटिशन बाद में करते रहना, प्लीज़ मुझे भी बता दो मैं अपने आप को जीरो हेलीकॉप्टर मैन से गॉड हेलीकॉप्टर मैन कैसे बनाऊँ। मेरे पास तो यार हेलीकॉप्टर के नाम पर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर था, वो भी टोनी तुमने फोड़ दिया। एक शर्त पे बताऊंगा। किस तरह की शर्त? पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करा। गाइस प्लीज जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब, फिर टोनी बताएगा। और हाँ दूसरी शर्त हो रहा है। व्हाट, दूसरी शर्त क्या है अब ये? तो दूसरी शर्त ये है, तुझे हम में से किसी एक से रेस लगानी होगी। रेस में अगर तू जीता तो बता दूंगा। मैं रेस करूंगा, किससे करूं भाई? हल्क से करूंगा मैं, हल्क से। ठीक है भाई हल्क जा रेस कर ले। अरे हल्क तो पहले हेलीकॉप्टर बन गया रेस करने के लिए। ओ भाई साहब हल्क का हेलीकॉप्टर आप देखेंगे ना लिटरली में शॉक हो जाएंगे। मेरा हेलीकॉप्टर इतना सा और हल्क क्या है भाई तू? हल्क है गॉड हेलीकॉप्टर मैन। हल्क फोड़ेगा, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। चलो मेरे 3 कहने पर तुम दोनों को यहाँ से बहुत स्पीड में दौड़ना है, भागना है, वो तुम्हारी मर्जी है। और फिनिश लाइन पर जो भी पहुंचकर मेरे पास जल्दी वापस आया वही विनर होगा। फ्रैंकलिन जीता तो यहाँ पर बता देंगे गॉड हेलीकॉप्टर मैन कैसे बनते हैं, नहीं जीता तो भाई इसकी बैंड बजा देंगे। चलो 1 2 3 स्टार्ट करो। और दोस्तों जल्दी से ये इंजन कर दिया मैंने ऑन, और ये मेरा हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार हो चुका है। हल्क उड़ जाएगा। वाह हल्क को तो मजा आ रहा है, हल्क उड़ गया। व्हाट, ओ भाई साहब मेरा तो इंजन स्टार्ट हो रहा है अभी, और ये हल्क इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? अबे हल्क भाई फिनिश लाइन तो पूरी भी हो गई, कहाँ जा रहा है? अरे हल्क तो टूर लेने जा रहा है, हल्क के लिए रेस नहीं है, बच्चा है बच्चा। हल्क गॉड हेलीकॉप्टर मैन है, हल्क तो ऐसी रेसों को थूक के फेंक देता है। भाई साहब ये क्या सीन है? मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने में लगा पड़ा हूँ इतनी देर से, और हल्क लिटरली में जहाँ तक फिनिश लाइन थी उसका भी 2 गुना ज्यादा चक्कर लगा के वापस आ गया। ये कैसे हो सकता है? हल्क के बच्चे यार ये तो चीटिंग है टोनी, ये गॉड हेलीकॉप्टर था, मैं इससे कैसे जीत सकता था? क्या बोला, हल्क ने चीटिंग की है? अरे भाई कोई चीटिंग नहीं है, उसने बस अपनी ताकत दिखाई है। और चल अब निकल यहाँ से, एयरपोर्ट पे जो जॉब थी वो भी तेरी निकल लिए है, हमने छीन ली। ऐसा नहीं कर सकता टोनी, बोला था तू हारेगा तो भाई हम जो करेंगे वो चाहेंगे। हाँ चल अब बाहर निकले यहाँ से। मजा ही आ गया, बढ़ाया अपने आप को जीरो से गॉड हेलीकॉप्टर मैन बनाने वाला। टोनी प्लीज छोड़ दे मेरे को। अच्छा तुझे छोड़ू, चल काम करता हूँ, तुझे यहाँ से ना भाई धरती से बाहर ही निकाल देता हूँ। ओ भाई साहब कहाँ फेंक दिया मेरे को? इसका ये बकवास हेलीकॉप्टर भी फेंकते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है लिटरली में, मुझे तो समझ नहीं आता। ओह माय गॉड ये कहाँ पर गिर गया मैं? अरे यार हमारे पास कुछ गाड़ी या सामान नहीं है, वरना हम तो गॉडमैन बन जाते। गॉडमैन बिल्कुल सही कहा आप। भाई मैं तो अपने लिए रिमोट कंट्रोल लाऊंगा, फिर गॉड रिमोट कंट्रोल कार बनाऊंगा उसको। क्या तुम लोग क्या बात कर रहे हो? एक मिनट, ये क्या चीज़ है? अहे हे, आपको नहीं पता क्या? सारे के सारे एवेंजर्स ने अपने आप को जीरो से गॉडमैन बना लिया है। अरे हाँ, वो सब एक छोटा मोटा सा टूटा फूटा सा हेलीकॉप्टर लाए और हम छुप कर देख रहे थे। उन्होंने ना अपने आप को गॉड हेलीकॉप्टर मैन बनाया इस पोर्टल के थ्रू, लेकिन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से पोर्टल ख़राब हो गया है। इसलिए अब कोई गारंटी नहीं है कि इस हेलीकॉप्टर में या फिर किसी भी चीज़ में बैठ के गॉडमैन बन सकते हैं या नहीं। व्हाट? तो इसका मतलब एवेंजर्स यहाँ आए थे। गाइस, टोनी ने जाने अनजाने में मुझे वहाँ भेज दिया था जहाँ वो भेजना नहीं चाहता था। तो मतलब इसमें आग क्यों लगी हुई है? अब भाई कल मैं बताया था ये ख़राब हो गया भाई, ज़्यादा बार यूज़ हो गया ये, ऐसी बात नहीं है। अब चाहे इसमें आग लगी हो या फिर ये फटने वाला हो, मैं किसी भी हालत में अपने आप को जीरो से गॉड हेलीकॉप्टर में बना के रखूँगा। क्या आपके पास हेलीकॉप्टर भी है जो आप अपने आप को जीरो से गॉड हेलीकॉप्टर में बनाएंगे? अरे हेलीकॉप्टर यार, टोनी ने फेंका तो था मेरे साथ। मेरा हेलीकॉप्टर कहाँ गया? ओ नो गाइस, क्या करूँ? वो भाई साहब आने वाला होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अहे फेंकी भैया, पागल हो गए हैं क्या? अरे फेंकी भैया हटिए। लेकिन मैं हटूँ क्यों? वाह भाई कल मैं अपने ऊपर देख, और अल्ले भाई लग गई बैंड इसकी। अरे बाप रे यार, थोड़ा जल्दी बताना चाहिए था ना, हेलीकॉप्टर ही गिर गया मेरे ऊपर। खैर दोस्तों, इस बहाने मेरा हेलीकॉप्टर तो आ गया। तो अभी सुनो मेरी बात, सिंचन पिक्चर चौप, मैं इस हेलीकॉप्टर में बैठूंगा। और यार इसकी तो पंखड़ियों में धुआं निकल रहा है। अरे फेंकी भैया जल्दी कीजिए, वरना पोर्टल ब्लास्ट हो सकता है। हाँ, कर रहा हूँ। राइट दोस्तों, पहले हेलीकॉप्टर ने सीधा कर लिया और जल्दी इसमें बैठे। देखिए गाइस कितना प्यारा हेलीकॉप्टर है। ओह क्या बात है! ओ भाई साहब, गाइस मैंने कर दिखाया, मैंने अपने आप को गॉड हेलीकॉप्टर मैन बना लिया। वाह भाई कल वह मुझे था, तू कहीं से भी गॉड हेलीकॉप्टर मैन नहीं लग रहा है भाई। फेंकी भैया दिखाइए तो हमको। ओके, तो मेरा हेलीकॉप्टर पहले ऑरेंज कलर का था, अभी ग्रीन हो गया है, पहले से बेटर हो गया है और मेरा हेड हट के हेलीकॉप्टर लग गया है। मतलब अब मैं एक प्रॉपर हेलीकॉप्टर मैन बन गया हूँ। बट ये बात तो सही है यार, मैं गॉड हेलीकॉप्टर मैन नहीं हो सकता। नहीं तो गाइस एवेंजर्स इतने बड़े नहीं होते, वो भी मेरे जितने बड़े होते। लेकिन एक बात तो बताओ, मैं हेलीकॉप्टर मैन बन गया हूँ, अब मैं खुद को हेलीकॉप्टर से गॉड हेलीकॉप्टर मैन कैसे बनाऊँ? वाह भाई कल पहले टेस्ट करना पड़ेगा भाई कि तेरी कैपेसिटी कितनी है। इसका क्या मतलब है? अरे पहले सबसे पहले हेलीकॉप्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाइए, उसके बाद दिखाइए कि आप कितनी ऊंचाई पे उड़ सकते हैं, कितनी स्पीड में जा सकते हैं। अहे मजा आएगा फेंकी भैया, करके दिखाइए। ऑलराइट, अगर ऐसी बात है तो चलो गाइस ये भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, अबे ये क्या, मेरी पंखड़ियाँ नहीं चल रही हैं बट मैं उड़ पा रहा हूँ। वाह भाई कलवा, यही तो फायदा हेलीकॉप्टर मैन होने का। हेलीकॉप्टर ख़राब भी हो जाए तो भी उड़ सकते हो तुम भाई। ओके गाइस, अगर मेरी पंखड़ियाँ ठीक होती तो भाई और तेज़ी से उड़ पाता मैं। ये बात तो है, कोई बात नहीं है। अब जल्दी से काम करो, अपनी स्पीड चेक करो। मेरी स्पीड देखिए गाइस रास्ते में, अरे यार कम हो रही है, ये तो डाउन हो रही है भाई। वाह भाई कलवे, ध्यान से, कोई तेरी बैंड भी आ सकता है वहाँ पे। अरे बाप रे, ये क्या है? हमारे देश में दुश्मन हेलीकॉप्टर क्या कर रहे हैं? मुझे जल्दी से इसको टेक डाउन करना पड़ेगा, वरना ये हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है। अरे फ्रेंकी भैया अपने साइड में देखिए। क्या देखूं? ओ भाई साहब, और ये मिलिट्री जेट मेरे को क्यों मार रहा है भाई? अरे मैं हेलीकॉप्टर हूँ, कोई इंसान नहीं हूँ भाई, क्यों मार रहा है मेरे को? बहुत बढ़िया, मिशन सक्सेसफुल हुआ, मजा आ गया। इसमें तो कोई पायलट ही नहीं था, लगता है पायलट भाग गया होगा। पायलट होता कहाँ से? ओ भाई साहब, उस कर्नल ने मेरे को इतनी जोर से मारा। गाइस वो कर्नल पागल है क्या यार? वैसे उसको क्या पता कि मैं इंसान हूँ? अरे बाप रे भाई, क्या जोर से मारा है। ओ नो, अबे सिंचन पिंचन चौब, ये क्या हो गया मेरे साथ? वाह भाई कल हमको दिख नहीं रहा, तो है कहाँ भाई? ओ नो गाइस, मेरा पूरा हेलीकॉप्टर चूर सूर हो गया भाई। मुझे जल्दी से पहले हेलीकॉप्टर मैन बनना पड़ेगा। शुक्र है मैं हेलीकॉप्टर मैन तो बन पाया, कम से कम। हेलीकॉप्टर बनता तो चल भी नहीं पाता। गाइस अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना उड़ सकता हूँ ना ही चल सकता हूँ। ओ भाई साहब, मेरा इंजन पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया है। और मेन फैक्टर ये है कि भाई हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियाँ गायब हो गई। मतलब पहले तो चल ही नहीं रही थी, अब तो भाई चलने लायक छोड़ो भाई है ही नहीं। अहे फेंकी भैया, ये क्या हो गया आपको? अरे बाप रे फेंकी भैया, अब तो आप कभी भी गॉड हेलीकॉप्टर मैन नहीं बन पाएंगे। इसका क्या मतलब है? वाह भाई कलवे, जब तक तू यहाँ पर हेलीकॉप्टर की तरह इस पोर्टल में से नहीं जाएगा, ये तेरे को गॉड हेलीकॉप्टर मैन नहीं बनाएगा। अरे तो ये क्या कह रहे हो? उसके लिए आपको मिलिट्री बेस जाना होगा। जल्दी से नई पंखुड़ियाँ लाइए और अपने हेलीकॉप्टर पे लगा के गॉड हेलीकॉप्टर मैन बन जाइए। बस इतनी सी बात। तो अभी जाता हूँ गाइस। चलो कम से कम यहाँ पर एक न्यूज़ तो अच्छी थी, सिंचा पिंचा चौप ने, वरना मेरे को इतनी टाइम से डरा ही रहे थे। ऑलराइट दोस्तों, मैं ओ भाई साहब टोनी क्या कर रहा है इधर? कर्नल साहब अच्छी बात है, आपने उस हेलीकॉप्टर को उड़ाया और उसको बैंड बजा दी। बिल्कुल सही कहा, सबसे अजीब बात उसमें कोई पायलट नहीं था। भाई कर्नल तो मेरे बारे में बात कर रहा है। बट गाइस ये टोनी यहाँ पर आया क्यों है? तो कर्नल साहब, ये वाली गनशिप की गोलियां बहुत बढ़िया हैं। अरे बिल्कुल, इनकी कीमत ही एक है, 1 करोड़ रुपए की एक गोली है। मतलब टोटल अभी 100 गोली खरीदी तो 100 करोड़ रुपए देने होंगे। अरे चिंता मत करो, 100 करोड़ क्या, इस माल के लिए मैं आपको 200 करोड़ दे दूँ। ओके, तो टोनी स्टॉक अपने हेलीकॉप्टर में गोलियां भरवाने आया भाई। ओ माई गॉड, ये क्या, यहाँ पर ये लोग इतना ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ क्यों खड़े हैं? अरे ध्यान रखना, किसी भी हालत में ये हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियाँ किसी को दिखना चाहिए, बहुत कीमती। हमारे कर्नल साहब नहीं चाहते किसी को मिले। ओपे ये तो मेरी हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियाँ हैं। यार कर्नल ने पक्का मेरे से चुरा ली होंगी, मतलब मुझे जब क्रैश किया था तो पक्का उसको मिल गई होंगी, उसने रिपेयर करवा के रख दी। मतलब गाइस फिर तो फायदा ही है, मतलब मेरी हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियाँ मुझे ही वापस मिल जाएंगी। ऑलराइट दोस्तों, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना सबसे पहले इन सबको बिजली के झटके देके बेहोश कर देता हूँ। अब करंट लग गया, अब यहाँ कहाँ हो गया, कहाँ रो रहे हो, करंट लग गया। फाइनली तीनों सारे के जितने भी ऑफिसर्स हैं इनकी तो मैंने बैंड बजा दी। अब बस दोस्तों यहाँ पर जो पंखुड़ी है वो मेरे को लेनी है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा और अपने आप को मैं गॉड हेलीकॉप्टर मैन बना पाऊंगा। मज़ा ही आ जाएगा। चलो जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तीनों के तीनों बेहोश हैं, इससे पहले कि उठे हम जल्दी से इसको। एक मिनट भाई, ये तो ज़मीन में ढंसी पड़ी है भाई। ड्रिल मशीन से भी निकलने का नाम ले रही है यार, ये कर्नल बहुत ज़्यादा चालाक है। अरे भैया अंदर आए, अरे तू कौन है? ओ माय गॉड, अब इसने ऑफिसर ने मेरे को देख लिया। अब रुक, तेरे को बताता हूँ, हमारे 3 ऑफिसर यहीं थे, वो कहाँ गए? हाँ अब तू है कौन? अब तू तो वही हेलीकॉप्टर मैन है जिसको कर्नल साहब। क्या हो गया? अरे लगता है टोनी स्टार्क ने यहाँ पर किसी घुसपैठिया को भेजा है आपकी वो जो हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियाँ थी उसको चुराने के लिए। क्या टोनी स्टार्क, तूने मेरे साथ धोखा किया? अरे कौन सा धोखा, क्या हो गया? आप ही देखता हो, एक मिनट, वो है कौन? अरे ये तो फ्रैंकलिन लग रहा है मुझे। फ्रैंकलिन तो टोनी का सबसे अच्छा दोस्त है। आए फ्रैंकलिन, तूने यहाँ पर टोनी के कहने पर चोरी की बात ये छोड़ो करे। अरे बाप रे, ये कर्नल ऐसे क्यों कह रहा है कि मैंने टोनी के कहने पर चोरी की? यार जो भी हो कर्नल भाई मेरे को छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ। अब मैं तेरे को ऊपर वाले के पास पहुँचाऊंगा डायरेक्टली, तू मुझसे बच नहीं पाएगा। यार टोनी स्टार्क, तेरी हिम्मत कैसे है यहाँ पर मेरे से लूट मारी करने की? अबे कौन सी लूट मारी कर ली भाई, कर्नल पागल हो गया है क्या तू? अरे भाई मैंने यहाँ पर तेरे से गन वन खरीदी है, मैं क्यों अपना बिजनेस बिगाड़ना चाहूंगा? तूने फ्रैंकलिन को हेलीकॉप्टर मैन बनाया, उसके बाद मेरी हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों को चुराने का प्लान बनाया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या फ्रैंकलिन? एक मिनट कर्नल जरा, एक मिनट। और वो भग रहा है, भागो भाई जल्दी भागो, पुलिस में भागो। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने यहाँ पर कर्नल के मन में गलत फहमी डाल दी फ्रैंकलिन के बच्चे, अब तू बचेगा नहीं। टोनी, मेरी गलती नहीं है भाई इसमें, कर्नल ने खुद ही समझ लिया। अब दिमाग खराब हो गया, मैं तेरा हेलीकॉप्टर अब तुझे फोड़ के दिखाऊंगा। अरे मेरा हेलीकॉप्टर पहले ही फटा पड़ा है और क्या फोड़ेगा तू इसको लिटरली में। ये कहाँ भेज दिया उसने मुझे? अब पता चलेगा फ्रैंकलिन मेरे से पंगा लेने की गलती क्या होती है। ये क्या हो गया भाई साहब? नहीं, इसने मेरे को बंद कर दिया जाल में। बचाओ, कोई है, प्लीज हेल्प मी। ओ माय गॉड गाइस, क्या करूं? गाइस कमेंट में जल्दी शिनचैन हेल्प लिखिए। भाई साहब मुझे अगर जीरो से गॉड हेलीकॉप्टर मैन बनना है तो पहले इस जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। कम ऑन। ओ माय गॉड, मेरा दम घुट रहा है भाई, मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम बोल नहीं सकता। मैं क्या करूँ गाइस? एक मिनट, पहले हेलीकॉप्टर में एक बटन है, इसको दबा के देखो। व्हाट, ये क्या हुआ भाई साहब? मेरा हेलीकॉप्टर तो खराब था। अगर मेरा हेलीकॉप्टर खराब होकर भी इतनी खतरनाक चीज़ें कर सकता है तो सोचिए गाइस जब ठीक हो जाए तो क्या करेगा। मेरे पास सुपर फास्ट हेलीकॉप्टर स्पीड रोटेशन अटैक आ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे होगा क्या। तो फिर से आ गया, टोनी ने तेरे को फिर से भेजा। अबे टकले कर्नल, उम्र के साथ तेरी अकल भी बुढ़ी हो गई है। लेट्स गो गाइस, हमने यहाँ पर कर्नल की बैंड बजा दी और उसके जितने भी ऑफिसर थे। अब चलो गाइस यहाँ पर देखिए ऑटो अटैचमेंट मोड के हिसाब से मेरा जो पंखुड़ियाँ हैं, वाह भाई अपना हेलीकॉप्टर ब्रांड न्यू बन गया। अब मतलब मैं यहाँ पर अच्छी तरह से उड़ सकता हूँ। चलिए गाइस अब जल्दी चलते हैं और शिनचैन पिंचैन चौक को दिखाते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर अपने आप को जीरो से गॉड बनाएंगे। कि भैया आप तो आ गए, वाह वाह भाई कलवे, वाह तू तो ठीक हो गया भाई, वाह जल्दी यहाँ पे उड़ हवा में और अपने आप को बेटर ओ हेलीकॉप्टर मैन बना। हेलीकॉप्टर मैन तो मैं पहले से ही हूँ, मुझे बनाना है खुद को गॉड हेलीकॉप्टर मैन। ऑलराइट दोस्तों, आप तैयार हैं? ऑलराइट 1 2 3, ये बन गया मैं हेलीकॉप्टर। अरे यार ये पंखुड़ियाँ फिर से नहीं चल रही। कि भैया कोई बात नहीं है, एक बार खुद को अपग्रेड कर लो फिर पता चलेगा क्या बनोगे क्या नहीं। हाँ बात तो सही कही। ऑलराइट दोस्तों, मैं पोर्टल में गया। क्या बात है, कुछ तो हुआ है, ओ माई गॉड गाइस क्या बात है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है भाई। ये तो प्रीमियम क्वालिटी का हेलीकॉप्टर जो मेरे हेड पे आ चुका है और अभी मैं एक ब्लू गॉड हेलीकॉप्टर मैन बन गया हूँ। बट मेरी ये हाइट अभी भी कम है, बट भाई मेरा हेलीकॉप्टर बहुत बढ़िया है। शिनचैन पिंचैन चॉप, मेरा हेलीकॉप्टर। शिनचैन पिंचैन चॉप, अरे शिनचैन पिंचैन चौक कहाँ पर गए तुम? वाह भाई कलवा बचा, वाह भाई हमको मार देंगे। एक मिनट गाइस, शिनचैन पिंचैन चौक को पक्का किसी ने किडनैप कर लिया है। ओ नो, मेरी फैमिली को किसने किडनैप किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। गाइस जहाँ से मुझे उनकी आवाज़ आ रही है जल्दी जल्दी जाकर देखता हूँ। ओ भाई साहब एक मिनट, ये इसके बड़े और चुप करो बच्चा लोग, और बहुत जल्द तुम मेरा खाना बन जाओगे। अरे नहीं, हमें क्यों पकड़ के लाए हो? हाँ इसके बड़े नहीं पता क्या, अरे अवेंजर्स ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, यहाँ पर हम तुमको खाएंगे, जान से मारेंगे तो वो तुम्हारा पोर्टल छीन लेंगे और पोर्टल से वो बिजनेस करेंगे। व्हाट, एक मिनट, अगर शिनचैन पिंचैन चॉप को किडनैप किया गया है तो इसका मतलब ये लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, जो कि मैं हो गया। मतलब पोर्टल पर अवेंजर्स कब्जा करने वाले हैं। नहीं, मेरे को जल्दी करना पड़ेगा। ओ भाई सब जल्दी जाता हूँ, मुझे पोर्टल बन चलेगा। आ जाओ 1 करोड़ में गॉड इसके ब्रिटोल मोस्टर बन जाओ। आ जाओ हल्को बर्गर चाहिए और 1 करोड़ रुपये चाहिए। ओ नो, यार इन्होंने तो इस पोर्टल को लिटरली में भाई बिजनेस की तरह खोल लिया। अब यहाँ पर इतने बुरे बुरे लोगों को अपग्रेड करवाएंगे। हल्क फोड़ेगा, हल्क यहाँ पर खुद गॉड हेलीकॉप्टर मैन बनेगा और दूसरों को बनने देगा। ओए बिल्कुल सही कहा, वो तगड़ा बिजनेस होगा, तगड़ा बिजनेस, मजा आ जाएगा। अरे बिल्कुल, इसके बड़े ले 1 करोड़ रुपए और हमको अपग्रेड कर। गाइस मुझे सबसे पहले अब शिनचैन पिंजा चौक को बचाना होगा, उसके बाद इन लोगों को रोकना होगा गॉड इसके ब्रिटिश मोस्टर बनने से। मैं बनूंगा गॉड हेलीकॉप्टर मैन, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके दोस्तों, अब समय आ गया यहाँ पर हेलीकॉप्टर में ट्रांसफॉर्म होने का, आपको दिखाता हूं मैं। 1 2 3 लेट्स गो भाई साहब। अब पहले अपनी पंखड़ी से इस स्केबरी टॉय मोस्टर की बैंड बजाता हूं। अरे वाह, ये तो फ्रैंकलिन भैया है। ओह इसके बड़े अरे मारते हैं इसके बड़े। क्या बात है भाई, मेरे पंखुड़ियों से कोई नहीं बच सकता। फैंकी भैया हमको जल्दी से अंदर लीजिए। भाई कल अंदर बैठो, जल्दी बैठो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी गाइस हमको प्लान भी बनाना है यहाँ पर अपने यार पोर्टल को वापस लेने का। गाइस ऑलराइट, मुझे यहाँ पर गॉड हेलीकॉप्टर मैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो शिनचैन पिंजा जल्दी चलते हैं और जाकर अपने पोर्टल को बचाते हैं हल्क से, स्पाइडरमैन के बच्चे से और साथ साथ में यहाँ पर इसके बड़े मॉन्स्टर से। और इसके बड़े हेलीकॉप्टर कौन है? अरे बाप रे फैंकी भैया, आराम से हम क्रैश हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, हमें सबसे पहले अभी यहाँ पर प्लान बनाना पड़ेगा क्या आगे करना क्या है। ये फ्रैंकलिन भैया, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर उनको ना बम से उड़ा दो। भाई कलवा, तू अभी यहाँ पर इतना बड़ी हेलीकॉप्टर मैन बन गया। भाई काम कर, अपने हेलीकॉप्टर की नई सुपर पावर का इस्तेमाल करके बैंड बजा दे। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन भैया, यहाँ पर आपको ऐसा करना होगा। ऐसा अरे वैसे बम से याद आया गाइस, मैं भी देखिए हेलीकॉप्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। तो क्या मेरे पास भी कोई मिसाइल है? क्योंकि टोनी स्टार्क अपने हेलीकॉप्टर में मिसाइल फिट करवा रहा था, गोलियां फिट करवा रहा था। तो गाइस स्ट्राइक करते हैं। हल्क को तो मजा आ रहा है, हल्क तो पैसा कमा रहा है। ओके, सुपर हेलीकॉप्टर मिसाइल अटैक। ओ भाई साहब है, हालांकि मिसाइल नहीं है बट रॉकेट है, आरपीजी है। क्या बात है भाई। अरे इसके बड़ी कैसा अपग्रेड हो रहा है। तुम बेटा मेरे पोर्टल से अपने आप को गॉड बनाओगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं दूंगा। ओए क्या हो रहा है ये? हाँ, हल्क को मारा, हल्की बैंड बजाई। ये क्या हो रहा है? वाह भाई कलवा, तूने तो सही बैंड बजा दी इनकी। चलिए गाइस, अब यहाँ पर मैंने इन सबका सफाया कर ही दिया है, तो इसी मौके का फायदा उठाकर मैं अपने आप को बना लेता हूँ गॉड हेलीकॉप्टर मैन। तो गाइस फिलहाल हम 0। ओ भाई साहब ये क्या था? अरे गाइस, ये 100 से इतनी बड़ी वॉल कहाँ से आ गई? ओए मैं तुझे से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। हाँ फ्रैंकलिन के बच्चे, अच्छा बेटा तू ये बनेगा। गाइस मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, मैं इस वॉल को अगर तोड़ना चाहता हूँ मुझे ऐसी खतरनाक टक्कर मारनी पड़ेगी जिससे कि पूरी की पूरी वॉल टूट जाए। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर मेरे को जुटना पड़ेगा। कमॉन। ओ नो, मेरी पंखुड़ियाँ टूट गई तो भाई मेरा नाश हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, फाइनली यार मेरी पंखुड़ी ने मेरी मदद की। इन दी एंड मैंने पंखुड़ी से उस पूरी की पूरी वॉल को ही तोड़ डाला और फाइनली अब हम जा रहे हैं आगे। ओ भाई साहब इम्बैलेंस हो रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। कमॉन। ओके दोस्तों, सामने देखिए पोर्टल है और अब ये पोर्टल मुझे अपग्रेड करेगा। ओह नो, थोड़ा सा ऊंचा हो गया मैं, थोड़ा सा आगे। ऑलराइट ओके गाइस, ओ भाई साहब इस बार तो मैं यहाँ पर जायंट हेलीकॉप्टर मैन बन गया। गाइस अब तो मैं पक्का सच में यहाँ पे गॉड हेलीकॉप्टर मैन लग रहा हूँ। एक मिनट, शिनचैन पिंजा चौक है। अबे शिनचैन पिंजा चौक देखो मुझे। अरे कहाँ है? अरे फ्रैंकलिन भैया क्या ये आप है? अरे मैं यूँ भाई कलवा, ये तो बहुत ही खतरनाक हेलीकॉप्टर है भाई। अरे सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं है, पूरा का पूरा मैं खतरनाक हो गया। फैंकी भैया तो क्या आप अवेंजर्स से ज्यादा खतरनाक हैं? वो तो चेक करना पड़ेगा। हल्क फोड़ेगा, हल्क नहीं छोड़ेगा। अरे नहीं, ये क्या भाई साहब, हल्क तो होश में आ गया। हल्क के दोस्त को मारा, अब हल्क तेरी बैंड बजाएगा। अरे फैंकी भैया जल्दी से मिसाइल्स मारिए। हल्क यहाँ पर ये ले। ओ माय गॉड भाई, ये क्या, हल्क तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। फैंकी भैया आप तो इनके सारे नूब हैं। वाह भाई कलवा, तू नहीं है कोई गॉड हेलीकॉप्टर मैन भाई, वाह तूने तो बैंड बजवा दी। हा, हल्क को मजा आ गया। अरे कोई बचाओ, हल्क को जल्दी से बैकअप चाहिए। क्या हो गया सब ठीक है? अरे इधर फ्रैंकलिन ने स्पाइडरमैन की बैंड बजा दी, हमारा पोर्टल फोड़ दिया। क्या अभी आ रहा हूं मैं। वो एक मिनट, वो टोनी से बात कर रहा है क्या? नहीं, ये तो एवेंजर्स को बुला रहा है। अरे हल्क भाई क्या बात है, इस फ्रैंकलिन के बच्चे की यही हालत होनी चाहिए। मैं कहा गया उसको देखकर, ये तो एक नंबर का नूब है, ये बनेंगे गॉड हेलीकॉप्टर मैन। अरे हाँ, इसने यहाँ पर कर्नल से मेरी बात बिगड़वाई थी। उड़ी कसम, इसको छोड़ो मत, इसकी बैंड बजा दो। बिल्कुल, अब हल्क इसको उठाकर ऊपर वाले के पास पहुंच जाएगा। भाई कलवा कुछ कर। गाइस मुझे पोर्टल में जाना पड़ेगा, तभी जाके मैं इनको हराने के लिए इतना तगड़ा बन सकता हूँ। पोर्टल में? अबे रुक, तुझे बताता हूँ। तू जानना चाहता है गॉड हेलीकॉप्टर मैन की क्या पावर होती है? ले। ओ माय गॉड, ये कब फेंक दिया मैं। अरे बाप रे, एक मिनट दोस्तों, आइडिया, क्यों ना मैं अपने आप को हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर करके अपने आप को बैलेंस में लाकर यहाँ पर सीधा पोर्टल में जाऊँ और खुद को अपग्रेड करूँ। गाइस देखिए, मेरा हेलीकॉप्टर है तो बहुत अच्छा, लेकिन यार अवेंजर्स के सामने कुछ भी नहीं है। गाइस अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं जीतूं और अवेंजर्स हारें तो कमेंट में जल्दी फ्रैंकलिन ओपी लिखिए। लेट्स गो। एक मिनट, ये हेलीकॉप्टर पोर्टल में क्या कर रहा है? अरे लगता है तो फ्रैंकलिन है, इसको रोको। ओए नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ओह माय गॉड, अब इसको बोलते हैं भाई अल्ट्रा लेवल का गॉड हेलीकॉप्टर मैन। आप भी देखिए गाइस, अब मैं अपने सुपर हेलीकॉप्टर एक्सप्लोजन अटैक से इन सबकी कैसी बैंड बजाता हूँ। हल्क को मत मारना, बस हल्क को मत मारना। अच्छा बेटा सबकी बैंड बजाऊंगा। अबे मार दिया इसने तो, उड़ी कसम बैंड बजा दी, हल्क को फोड़ा। क्या बात है गाइस, एक काम करता हूँ जल्दी से यहाँ पर ना शिनचैन को भी दिखाता हूँ। अरे वाह फ्रैंकी भैया, आपने तो कमाल कर दिया। वाह भाई कलवे क्या बात था भाई। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।